ब्रज गोपिका सेवा मिशन ने तीव्र गति से फैलते महामारी कोविड-19 से अपने देश को मुक्त कराने के अभियान हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष में 10 लाख की राशि समर्पित की। सन 1990 से अनवरत हर प्रकार की आपदा के समय आगे बढ़कर हिस्सा लेने वाली इस सामाजिक व आध्यात्मिक कल्याणकारी संस्था की संस्थापिका एवं संचालिका है पंचम मूल जगत गुरु कृपालु जी महाराज की वरिष्ठ परिचारिका पूजनीय राजेश्वरी देवी। राजेश्वरी देवी ने बताया कि यह सहयोग राशि ब्रज गोपिका सेवा मिशन के समस्त साधकों के सहयोग से ज्ञापित हो पाया है। ब्रज गोपिका सेवा मिशन व इसकी इकाई से जुड़े साधक गण आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याण में भी सदा से ही परम तत्परता से भाग लेते आ रहे हैं। ये श्री कृष्ण संबंधी त्योहार है और जितने भी त्योहार श्री कृष्ण संबंधी होते हैं सबका अभिप्राय केवल यही है कि हम तन मन धन से श्री कृष्ण को अर्पित हों और अपना कल्याण करें। अक्षय शब्द का अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं, अनंत होता है, अर्थात जो कुछ दान किया जाता है उसका अनंत गुना फल होता है, विशेष फल होता है, भावार्थ ये। और प्रमुख रूप से स्वर्ण दान का महत्व है, लेकिन लोग उसका उल्टा कर लिए हैं, स्वर्ण खरीदने का। स्वर्ण दान के बजाय लोगों ने बिगाड़ करके उसका बना लिया अपने लिए कि सोना खरीदना चाहिए। तो सोने का दान समर्थ लोगों के लिए है और असमर्थ लोग भी दान अवश्य करें अपनी हैसियत के अनुसार। तो ये केवल सेवा का लक्ष्य है हर त्योहार का, उसी में एक अक्षय तृतीया भी है। दान प्रमुख है और तन मन तो सदा भगवान के निमित्त अर्पित करना ही चाहिए।